When two unknown resistance R and S are connected in the left and right gap of meter bridge, the balance point is found at distance L1 from zero end of the meter bridge wire. An unknown resistance X is now connected in parallel to the resistance S, and the balance point is now found at distance L2 from zero end of the meter bridge. Obtain formula for X in terms of L1. डायग्राम हम दो ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम. पहला डायग्राम जिसमें कि रेजिस्टेंस आपका आर लगा हुआ है और रेजिस्टेंस लगा हुआ है एस, ठीक है, और ये आपका मीटर ब्रिज वायर बना. मीटर ब्रिज वायर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है ये, और कहाँ बना, एल वन डिस्टेंस पर नेल पॉइंट आ गया. और ये बैटरी आपकी होती है लगी हुई, बैटरी का कैलकुलेशन में यूज नहीं होता, ठीक है. L1 डिस्टेंस पर आ गया ये नल पॉइंट, और ये कितना बचेगा आपका 100 माइनस L1 बाय डिफॉल्ट. तो यहां से हम पहले इसी के लिए इक्वेशन बना देते हैं, ये S है. तो आपका इक्वेशन क्या बनी, R by S equals L1 by 100 minus L1. ओके, R के इक्वल में ले लेते हैं इन चीजों को हम. यहां से आपका निकल कर आएगा R is equals to L1 by 100 minus L1 into S. ओके, अब अगली बार में क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगली बार में क्वेश्चन में कहा गया है कि R तो अपनी जगह एज इट इज लगा हुआ है, ठीक है, और ये जो S था, S S के पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगा दिया आपने, कितना X. और अब जो आपका नल पॉइंट है, अब आपका नल पॉइंट ये गैल्वेनोमीटर, और नल पॉइंट खिसक कर कितने पर आ गया, L2 पर आ गया नल पॉइंट. तो ये 100 माइनस L2 बचा. बैटरी यहाँ लगी हुई है, बैटरी का कोई काम नहीं कैलकुलेशन में. तो अब इस कंडीशन के लिए, सेकंड कंडीशन के लिए आपका क्या बन जाएगा आंसर. तो अब इस कंडीशन में R के साथ में S नहीं है, X और S का इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है, ठीक है. सिंस S एंड X आर इन पैरेलल, तो अब इनका R P इज इक्वल्स टू वह एस एक्स अपॉन एस प्लस एक्स, ठीक है. तो अब हम क्या मानकर चले, हम मानकर ये चले कि यहां ये दोनों नहीं है लगे हुए, यहां क्या लगा हुआ है, यहां एक लगा हुआ है, क्या आर पी लगा हुआ है यहां पर. तो अब आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, अब आपके पास बनता है आर अपॉन आर पी इक्वल्स एल टू बाय 100 माइनस L2. ओके, यहां से भी क्या बना लीजिए, R को इक्वलेंट कर लीजिए, R इक्वल्स L2 बाय 100 माइनस L2 इंटू आर पी. अब ये भी R है, ये भी R है, दोनों ही क्या है ये, R और R दोनों को आप आपस में क्या कर लें, इक्वल कर लें. तो आपका आंसर बनता है क्या, एक मिनट, ठीक है, तो बस आर को इक्वल कर लें. तो ये बना आपका यहां L1 बाय 100 माइनस L1 S इक्वल्स L2 बाय 100 माइनस L2 RP, करेक्ट. तो L1 बाय 100 माइनस L1 इंटू S इज इक्वल्स टू L2 100 माइनस L2, और RP की वैल्यू कितनी है, एस एक्स अपॉन एस प्लस एक्स. यहां ये एस कैंसिल आउट हो गया, है ना, और वैल्यू फाइंड करनी, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी ना, तो सब्जेक्ट हमें एक्स को बनाना पड़ेगा. चलो देखें, थोड़ा सा लंबा है कैलकुलेशन, थोड़ी सी लंबी है, बाकी कुछ भी नहीं है. एल टू अपॉन 100 माइनस एल टू, और ये बना एक्स अपॉन एस प्लस एक्स, ठीक है. रेसिप्रोकल करना पड़ेगा हमें दोनों तरफ, वरना एक एक्स नीचे अपॉन में रह जाएगा.
तो दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दें इसको। रेसिप्रोकल करने के लिए 100 माइनस एल वन अपॉन एल वन, ओके। और यहाँ इसका रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल फिर दूसरी साइड ले जाऊँ क्या एक साथ, क्या बन जाएगा बताओ? दूसरी साइड अगर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? L2 अपॉन 100 माइनस L2 इज इक्वल्स टू S प्लस X अपॉन X, करेक्ट। हाँ, रेसिप्रोकल भी कर दिया और दूसरी साइड भी ले गया, तो इसलिए वो दोनों काम इकट्ठे हो गए ना, तो इसलिए सेम लग रहा है आपको कि इधर से रेसिप्रोकल किया और साइड भी चेंज कर दी, तो दो बार रेसिप्रोकल हो गया ना, साइड चेंज करने भी रेसिप्रोकल होता है। अब यहां से इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, ये बन जाएगा एस अपॉन एक्स प्लस वन, और दूसरी साइड बन जाता है 100 माइनस एल वन अपॉन 100 माइनस एल टू इंटू एल टू अपॉन एल वन, ओके। अब हमें चाहिए कितना, एक्स, एक्स चाहिए ना, तो पहले एल वन को दूसरी साइड ले जाओ, एस अपॉन एक्स इक्वल्स 100 माइनस एल वन अपॉन 100 माइनस एल टू, एल टू बाई एल वन माइनस वन, करेक्ट। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम भी लेना पड़ेगा, एस बाय एक्स इक्वल्स पूरे का इसका एलसीएम आया 100 माइनस एल टू इंटू एल वन, और यहाँ से कैंसिल होकर ये बचता है 100 माइनस एल वन इंटू एल टू माइनस 100 माइनस एल टू इंटू एल वन। लंबी चौड़ी कहानी बन गई बहुत, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितना लंबा आंसर होता उतना ही आसान होता है। सॉल्व कर ले थोड़ा सा इसको, यहाँ यहीं सॉल्व कर लेते हैं, यहीं इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये बनेगा s बाय एक्स इक्वल्स 100 L2 माइनस L1 L2 माइनस 100 L1 प्लस L1 L2 डिवाइडेड बाय 100 माइनस L2 इंटू L1, और L1 L2 यहाँ से ख़त्म हो गए, और इसमें से आ जाएगा 100 कॉमन, 100 कॉमन हो जाएगा ना। तो अब आपके पास आंसर बचा क्या, S अपॉन X इक्वल्स 100, तो एलसीएम कॉमन आ गया, L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय 100 माइनस L2 इंटू L1, और अब x फाइंड करने के लिए फिर से रेसिप्रोकल कर दीजिए, x अपॉन s इज इक्वल्स टू 100 माइनस L2 इंटू L1 डिवाइडेड बाय 100 L2 माइनस L1, रेसिप्रोकल कर दिया ना दोनों साइड। और अब हमें चाहिए क्या, केवल x चाहिए, x इक्वल्स बन गया आपका कितना, 100 माइनस L2 इंटू L1 s डिवाइडेड बाय 100 L2 माइनस L1, ये आपका x का आंसर आ गया कुल मिलाकर, ठीक है। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट भी हो सकता है, कर लीजिए आप।